तो चलिए तो हस्की को स्टार्ट करते हैं। हस्की को स्टार्ट करते। एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ मेरा हस्की, दो बार में हो गया स्टार्ट। हम लोग निकल चुके हैं कामाख्या मंदिर के लिए, जो कि दर्शन करने के लिए। वो गुवाहाटी आया हूँ तो कामाख्या घूम के जाएंगे बोल के उसी सोच से कल रुक गया। और अभी मेरा साथ में है राकेश सर, जो कि राकेश सर पिलियन सीट में बैठा हुआ है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, और आप लोग जुड़े रहिए वीडियो में। और मेरे दो दोस्त आगे निकल चुका है, वो लोग काफ़ी दूर निकल चुका है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलते हैं। तो कामाख्या जो मेन गेट है, तो एंट्री हो रहे हैं हम लोग। ये कामाख्या मंदिर का गेट है, मेन गेट। और अभी आगे में मेरा एक टैटू शॉप भी दिखाई दिया मेरे को ये। और अभी पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा कामाख्या मंदिर के लिए, तो जुड़े रहिए वीडियो में। तो जो रेस्टिंग हाउस है उसमें थोड़ा रेस्ट कर लिया। और ये पीछे देखिए आप लोग, नीचे दिखाई दे रहा है शायद बिल्डिंग, बहुत ही हाइट में हूँ हम लोग। और ये रेस्टिंग हाउस है, और थोड़ा रेस्ट कर लिया। अभी चलिए तो हम लोग फिर से ऊपर में चढ़ते, और सर फोटो में व्यस्त है। अभी हस्की को लेके जाते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। चलिए देखते रहिए वीडियो को। तो गाइज अभी बाइक पार्किंग कर चुका हूँ, तो बाइक पार्किंग का वीडियो देखा नहीं पाया, तो बाइक पार्किंग हो चुका है। अभी इसका स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए अभी माँ कामाख्या के पास में चलते हैं, पैदल चलना पड़ेगा। और सर जाएगा, सर हेलमेट लेके जाएगा। चलिए तो देखते रहिए। तो अभी पैदल चल रहा है, और बैग है हाथ में, और चेस्ट में भी बैग है। तो देखते रहिए वीडियो। अभी गाइज हम लोग आ रहा था, जो कि बैग से लेके आए, तो काफ़ी लोग मतलब दादा दादा इधर आइए, इधर बैग रखिए, दादा दादा इधर आइए, बैग रखिए। एक तो बोल दिया मेरे को, ये लेवल मार के जा रहा है, जाओ। तो क्या बोले यार, अभी लॉकर रूम खोज रहे हैं हम लोग। लॉकर रूम में ये बैग वगैरह रख देंगे, उसके बाद में अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए देखते रहिए। फाइनली अभी पुलिस भैया को पूछ के लॉकर रूम पहुँच गए, तो अभी लॉकर रूम में अभी बैग रख देंगे। तो थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि जहाँ तक रखने से हम लोग का बैग का सामान गुम हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये है लॉकर रूम, और लॉकर रूम में अभी बैग रखेंगे हम लोग। तो एक भैया है, काफ़ी अच्छी तरीके से पेन चल रहा है। 56 है नंबर, 56 नंबर। अभी हम लोग निकल जाएंगे। नहीं नहीं वो 56 में वो समझा है, और हेलमेट नहीं रखता है हम लोग, हेलमेट का अलाउ नहीं है। बाइक में रखना चाहिए ना। मेरे पास लॉकर रूम से अभी निकल गए हम लोग, अभी नीचे जाएंगे जूते को रखेंगे, क्योंकि जूता रखना बहुत ज़रूरी है, मंदिर में हमेशा चोर हो जाता है जूता। तो जूते को रखने जाएंगे अभी लॉकर रूम में, जो कि ये वाला है जो। एक ही साथ में रख देंगे अभी जूते को खोल के, इधर से अभी जूते खोल देंगे। खोलिए जल्दी खोलिए, मेरा हो गया। ये सॉक्स निकाल लिया, इधर निकाल लिया, तो एक जगह में रख दो, इधर में हो गया। करो, मैं ऑलरेडी रख दिया मैंने जूते को। अभी पैदल हो चुका हूँ। तो अभी मंदिर चलते हैं। तो दीप भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, दर्शन करना है और जल्दी जल्दी घर भी जाना है। तो देखते रहिए वीडियो अगला टाइम तक, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। और मेरे सारे लोग जा रहे हैं इधर में काफ़ी बात करके। फूल वगैरह लेना है क्या करेंगे सर? आइए आते रहिए।
काफी अच्छा लग रहा है। क्या ले रहे हो? पानी। क्यों? पीने के लिए। वो पीने के लिए। तो माँ कामाख्या में आ चुका हूँ। अंदर तो ये है माँ कामाख्या का मंदिर। ये सेंटर में ज़्यादातर क्लिक किया जाता है फोटो, कैसे भी आता है जो बाहर से आता है आदमी लोग, तो इसी में ज़्यादातर फोटो क्लिक होता है। तो राकेश सर अभी बिजी है थोड़ा अपना फ़ोटो क्लिक करने में, सेल्फी लेने में, तो जुड़े वो वीडियो लेने के लिए वो जुड़े रही है। तो हम लोग अभी माँ कामाख्या के अंदर, कितना अंदर में जा सकूँगा, माँ कामाख्या का दर्शन हो पाएगा कि नहीं, वो तो कामाख्या माँ के ऊपर में, तो देखते रहिए वीडियो, जुड़े रहिए। ये कामाख्या मंदिर आ चुका हूँ जो फाइनली, और बपन सर भी आ चुका है, काफ़ी हैप्पी है बपन सर, जो कि कामाख्या आ चुका है अभी दर्शन करेगा सर। चलिए देखते रहिए और अंदर में जाने वाले। सर आपको कामाख्या के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, तो खास पता नहीं है, पर माँ कामाख्या का बहुत बड़ा विश्वास है और बहुत दिन से सोच रहे थे आएंगे, पर जब माँ को बुलाना होता तभी आना देगा, आज बुलाए हैं, आए हैं। जय माँ कामाख्या देवी। तो ये माँ कामाख्या देवी का जो श्रद्धा करते हैं। मेरे पास में छुट्टा अभी 2 रुपया है, मैं कामाख्या माँ को अभी ये अर्पण करने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को और जुड़े रहिए मेरे चैनल। सच में मेरा कामाख्या माँ से दर्शन हो चुका है और अभी मेरे को पंडित ने भी लगा दिया, जो कि पुट लगा दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा कामाख्या माँ के मंदिर में आके। तो अंदर में चलते हैं। हाँ हाँ, तो देखिए मंदिर। इधर में रेस करने का है और इधर में ये बलि घर है जो बलि दिया जाता है, बलि घर, और इधर में रेस करने का जो बैठने का इधर ना। भैया ये मंदिर में जो मेन कामाख्या माँ जो स्थापित है, कहाँ पे है वो? अंदर में, नीचे में। नीचे में वहाँ तक जा सकता है क्या? लाइन से जा सकते हैं। लाइन से जाना पड़ता है ना, वो लाइन से ना, तो अलग दिन में तो बहुत भीड़ रहता है, आज थोड़ा हल्का है, थोड़ा हल्का है। हाँ, तो उसी लाइन से जाना पड़ेगा ना, नीचे है ना वो लाइन लगा हुआ है। वो लाइन लगा हुआ है जो दिख रहा है आप लोगों को इधर, इसका नीचे में जो कामाख्या का जो स्थापित जो मूर्ति होगा शायद वो नीचे में है, जो इधर में ये माँ कामाख्या का जो हमने फोटो क्लिक किया था वहाँ पे किया था, जो कि वहाँ पे हमने वहाँ पे रुक के किया था। और अभी ये मंदिर है, मेन मंदिर यही है, और जो इसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को बीच में, इसका नीचे जो इधर से लाइन होके जाना पड़ता है, इस साइड से लाइन होके जाना पड़ता है, तो लाइन में लग के तो तब जाके नीचे पहुंचता है। तो ये माँ कामाख्या मंदिर का, क्योंकि वो ध्यान में विलीन है, जो मैं अभी आधे घंटे से हो गया वो ध्यान में विलीन है, तो माँ कामाख्या ऊपर में पूरा ध्यान बनाया रखा है। और इधर में भी एक बाबा है, वो भी प्रणाम कर रहा है सूर्यो को शायद, वो भी ध्यान में विलीन है। तो अभी लाइन में लगा हुआ है जो कि जो कामाख्या माँ के लिए दर्शन के लिए आया हुआ है, जो लाइन में लगा हुआ है, हर कामाख्या माँ का भक्त सब लाइन में लगा हुआ है इधर में, तो मंदिर मेन मंदिर में जाने के लिए। तो फाइनली कामाख्या मंदिर से अभी निकल गया, तो अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। अभी आके फाइनली हम जूता लगा लिया अभी मंदिर दर्शन करके आके, तो अभी
सॉक्स लगा लेते हैं और अभी घर के लिए निकल जाएंगे अभी, क्योंकि बहुत दूर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है अराउंड। लोग अभी निकल जाएंगे। सर इसको खोलिए। खोल दिया ऑलरेडी। अभी हेलमेट दीजिए, बैग दीजिए, सब निकालेंगे अभी। दीप भाई हो गया आपका। गाइज अभी मैं चढ़ाई चढ़ के आ चुका हूँ, जो कि अभी बाइक पार्किंग किया था और पार्किंग में आ चुका हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पार्किंग में आ चुका हूँ, अभी पार्किंग एंट्री कर दीजिए। मैं इधर जाता हूँ बाइक के पास में। अभी मेरा हस्की इधर में है, हस्की इधर है और गाइस मेरा चैनल देख के अच्छा लगा तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही नया वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।